हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक एम्ब्रॉयडरी या पीको मशीन में कैसे सटल सेटिंग करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो आपको सटल सेटिंग करने के लिए नीडल का पोजीशन चेक करना पड़ेगा। उसके लिए नीडल क्लैंप में जो स्क्रू लगा हुआ है उसको ढीला दीजिए। उसके बाद नीडल को नीचे या ऊपर जितना पोजीशन में रखना चाहिए, और पोजीशन भी आप याद कर लीजिए। नीडल का जो होल है वो पूरा नीचे आएगा, ठीक उसी पोजीशन पर रहेगा। फिर दोबारा से ऊपर का स्क्रू टाइट कर दीजिए। उसके बाद आप सेटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसको बाएं उंगली से घुमा के आप अपनी मशीन का जो व्हील है उसको घुमाइए धीरे धीरे, तो नीडल नीचे आएगा। नीचे आने के बाद सेटल का जो ऊपर का हिस्सा है उसको कैसे मैं नीडल के साथ मैचिंग कर रहा हूँ देखिए। ये ध्यान से देखने के बाद कोई भी लगा सकता है। इधर ही है पूरा सिस्टम कैसे मैं उसको सेटिंग कर रहा हूँ, अब देखिए। देखिए फ्रेंड्स, नीडल और सेटल का कॉम्बिनेशन एकदम बराबर होना चाहिए। अगर नीडल घिसता है तो सेटल को थोड़ा नीचे लाइए, अगर नीडल ज़्यादा ऊपर रह रहा है तो सेटल को ऊपर उठाइए। ऐसा करके उसको सेटिंग कीजिए। उसके बाद यह है उसका हुक गार्ड, इसको भी लगाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। इसको स्क्रू देके टाइट करने से पहले आपको देख लेना पड़ेगा सेटल का ऊपरी हिस्सा जो मैंने पहले ही बाईं हाथ से घुमाया था वो थोड़ा प्ले हो रहा है या एक जगह फिक्स्ड हो गया। अगर एक जगह फिक्स्ड हो गया तो थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, नहीं तो फिक्स रहेगा तो नहीं घूमेगा, मशीन पूरा जाम हो जाएगा। उसके बाद उसको टाइट कर दीजिए और थोड़ा सा हिला के देख लीजिए सही से घूम रहा है कि नहीं। बस ऐसा ही रहेगा, नहीं तो नीचे से धागा ऊपर नहीं आएगा। इसके बाद सभी स्क्रू को टाइट कर दीजिए ध्यान से। उसके बाद ऑयल डाल दीजिए, ऑयल डाल के घुमा के देख लीजिए। अगर सही से घूम रहा है तो आपका सटल लगाना पोजिशन एकदम सही हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा और किस टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।